मकतब बकियतुल्लाह मेता ताए सरुख की जानिब से मुनक्किद तीर अंदाजी मुकाबला इख्तिताम पजीर हो गया है। तहसीलदार ताई सरू साजिद हुसैन इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। SHO अब्दुल्ला जड़ PEO मोहम्मद इसाक और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। बड़ी तादाद में लोग फाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे थे। 45 से ज्यादा टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फ्रेंड सनकू ने टूर्नामेंट जीत लिया। रॉयल आर्चरी को दूसरी पोजिशन हासिल हुई। ये जो आर्चरी टूर्नामेंट है ये हमारे पुरखों से चले आ रहे हैं, जिसको हम दफन होते थे। हमारे शक्कर चित्र में तो उसका रिवाज और भी ज्यादा होता था। वहाँ जो है 3 दिन के लिए पूरे गांव वाले, बच्चे हो बूढ़े हो मेल जितने भी मेल होते थे मेंबर्स घर में, वो सारे 3 दिन के लिए दफन के शादी दफन में हिस्सा लेते थे। जो ले में रहते थे, जो करगिल में, वो सारे आके दफन में हिस्सा लेते थे। और 3 दिन का दबरन भी होता था कि 10-2 लगा के 10-2 बोलते थे, 4-5-6 मिल के 10-2 लगाते थे। वो एक दूसरे के घर में सुबह का खाना शाम का खाना खाने जाते थे। वो सारा ट्रेडिशन जो हमारा अब ये ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो आर्चरी कंपटीशन जो है, ये जो तीरंदाजी जो है, ये अभी भी जिंदा है और जिंदा रखना चाहिए। बहुत अच्छे तीरंदाज, बहुत अच्छे तीर फेंकने वाला हमारे यहाँ पे मौजूद है, हमारे यहाँ से मिल सकता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी मुकाबला कर सकता है। तो आज की इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आज हमारे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट ZPO साहब, जो हम डिस्ट्रिक्ट करगिल आर्चर के आर्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, मैं उनसे मुखातिब होकर यह कहना चाहूंगा कि आइंदा अगर कहीं भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या हमारे यूपी लेवल पे हो या हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हो, सर मैं आपसे ये मुबादना अपील करना चाहूंगा कि हमारे इन तीनों ब्लॉक में से भी कुछ, अगर पूरा टीम अगर नहीं तो ब्लॉक में से कम एक या दो या तीन पार्टिसिपेंट का होना लाजमी है। खरदून तीर अंदाजी टीम ने इंटर ब्लॉक ट्रेडिशनल तीर अंदाजी टूर्नामेंट कप अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट में शकर चक्तान ब्लॉक की मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर एग्रीकल्चर LAHDC करगिल मोहसिन अली इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस टूर्नामेंट का इनेकाद यूथ एसोसिएशन जंगा जंग ने किया था। AC मोहसिन अली ने एसोसिएशन पर जोर दिया कि वो रिवायती तीरंदाजी को बहाल करने की कोशिश करे, जिससे इस खेल की बहाली में मदद मिलेगी और सयाहों को खित्ते की तरफ राकिब करने में मदद मिलेगी। तो नाज़रीन प्राइम न्यूज़।